जो पिए सीमा होके बवाल। दिन रात पढ़ना है मजा वो धमाल। काम कर ले थसरे टेंशन, अरे काम कर ले थसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते घर पे धमाल। ये कैसे होगा सर? हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? कल तक हमने क्या पढ़ा था? कल का जो हमारा टॉपिक था वो छत्तीसगढ़ के इतिहास का शुरुआत हमने किया था, जिसमें पाषाण काल से लेकर वैदिक सभ्यता तक की जानकारी मेरे द्वारा आपको दी गई थी। आप सभी को पिछला टॉपिक का जो वीडियो था वो मिल गया है और आपने उसको पढ़ लिया है। आपको उस वीडियो में किसी प्रकार का कोई डाउट है? नहीं है? नहीं है तो पहले आप कुछ आंसर दीजिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चन करता हूँ। पहले आप बताइए कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कौन कौन से जो स्थल हैं वो प्रमुख रूप से मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। मध्य पाषाण कालीन जो स्थल हैं उनके आपको क्या करना है, नाम बताना है। साथ ही आपको बताना है कि जो सूती पाठ हमने एक जगह के बारे में पढ़ा था, वहां से किन किन चीजों की आकृतियां मिली है या क्या अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं। ये दो क्वेश्चन के आंसर आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे। क्या है आज का हमारा टॉपिक? तो महाजनपद काल एवं भारतीय राजवंश और छत्तीसगढ़, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो स्वागत है आपका हमारे टॉप एमसीक्यू सीरीज में, जिसमें क्या कराया जा रहा है कोको के द्वारा, आपको संपूर्ण सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। इस क्रम में आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा महाजनपद काल एवं भारतीय राजवंश और छत्तीसगढ़। चलते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि मगध महाजनपद के किस वंश का प्रभाव सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में हुआ। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन आपको? मगध महाजनपद के किस वंश का प्रभाव सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में हुआ? मौर्य वंश का, शिशुनाग वंश का, हर्यक वंश का और नंद वंश का। इसको पढ़ने से पहले थोड़ी इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं कि जो हमारा मगध महाजनपद है इस मगध महाजनपद के संस्थापक थे बृहद्रथ। कौन थे? बृहद्रथ। और इन्होंने अपने नाम पर ही क्या किया था, सबसे पहले एक वंश की स्थापना की जो कि कहलाता है क्या? बृहद्रथ वंश। तो मगध महाजनपद के अंतर्गत पहला वंश क्या हो गया आपका? बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ के उपरांत हर्यक वंश। इसी हर्यक वंश को इतिहास में पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसके उपरांत शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश और शिशुनाग वंश के उपरांत नंद वंश। तो ऊपर आप जो तीन वंश देख रहे हैं, बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश और शिशुनाग वंश, इनका छत्तीसगढ़ में कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। मतलब ये जो तीन वंश आप देख रहे हैं, बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश और शिशुनाग वंश, इनका संबंध छत्तीसगढ़ से नहीं था। फिर जो चौथा वंश आप देख रहे हैं क्या? नंद वंश। तो नंद वंश के अंतर्गत एक प्रमुख प्रतापी शासक थे जिनका नाम था महापद्म नंद। क्या नाम था? महापद्म नंद। ये जो महापद्म नंद थे
इन्होंने अपने शासन काल में कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग पर आक्रमण करके कलिंग पर क्या की थी, इन्होंने विजय प्राप्त की थी, जिसकी जानकारी हमको आने वाले समय में, इस समय के नहीं, आने वाले समय में कलिंग के एक शासक होंगे खारवेल, और उन खारवेल का एक शिलालेख है जिसको बोलते हैं हम लोग हाथी गुंफा शिलालेख। उस हाथी गुंफा शिलालेख से हमको पता चलता है कि जो महापदम नंद थे उन्होंने क्या किया था, तो कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग पर आक्रमण कर कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। कलिंग पर विजय प्राप्त करने के उपरांत ये जो महापदम नंद रहते हैं इनके द्वारा भारत में सर्वप्रथम सिंचाई विकास कार्य कराया गया। ठीक, इनके द्वारा क्या कराया गया, भारत में सर्वप्रथम सिंचाई विकास कार्य कराया गया। सिंचाई विकास कार्य के लिए इनके द्वारा क्या कराया गया, तो इनके द्वारा भारत में नहर निर्माण कराया गया। क्या कराया गया, तो नहर निर्माण कराया गया, नहर निर्माण। और ये जो नहर था इसका नाम था तनसुली नहर। ठीक, नहर का क्या नाम था, तो तनसुली नहर नाम था। ठीक, क्या नाम था, तनसुली नहर नाम था। और ये जो नहर है ये छत्तीसगढ़ के उत्तरी सीमा से गुजरता था, जो तनसुली नहर है ये कहां से गुजरता था, तो ये छत्तीसगढ़ के उत्तरी सीमा से गुजरता था। और यही इस बात का प्रमाण है कि जो महापदम नंद है इनका साम्राज्य छत्तीसगढ़ तक विस्तृत था। ठीक, अगर कोई राजा है और उसके द्वारा कोई भी विकास कार्य कराया जाएगा तो कहां कराया जाएगा, अपने राज्य क्षेत्र, अपने साम्राज्य में कराया जाएगा, है ना, कि कहीं और जाकर करा देगा, नहीं करा सकते ना। मोदी जी के द्वारा अगर कोई विकास कार्य कराया जाएगा तो कहां कराया जाएगा, भारत भूमि के अंतर्गत कराया जाएगा कि पाकिस्तान में जाकर करा देंगे, नहीं करा सकते ना। तो वैसे ही महापदम नंद के द्वारा भी अगर कोई विकास कार्य कराया गया, अगर सिंचाई विकास कार्य कराया गया, उसके तहत नहर निर्माण कराया गया, तो वो नहर का निर्माण वो कहां कराएंगे, अपने राज्य क्षेत्र में कराएंगे, और उस राज्य क्षेत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ से क्या होकर गुजर रहा है, ये नहर गुजर रही है। तो इस बात क्या हो रहा है, यह बात प्रमाणित हो रहा है कि जो महापदम नंद है उनके साम्राज्य के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भी आता था। तो मगध महाजनपद के अंतर्गत किस वंश का प्रभाव सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में पड़ा था, तो नंद वंश का प्रभाव सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में पड़ा। क्लियर है यहां तक, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, नंद वंश। मगध महाजनपद के किस वंश का प्रभाव सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में हुआ, तो नंद वंश का प्रभाव सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में हुआ। मौर्य वंश आपको नहीं लगाना है, आपको क्या लगाना है, नंद वंश लगाना है। क्लियर यहां तक, किसी को कुछ डाउट नहीं है, ठीक। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में जैन धर्म से संबंधित कथनों पर विचार करना है आपको। क्या करना है, छत्तीसगढ़ में जैन धर्म से संबंधित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या बोल रहा है, ऋषभ देव की जानकारी गुंजी एवं बूढ़ी खार से प्राप्त हुई है। दूसरा बोल रहा है रायपुर के आरंग से सुमित नाथ एवं महावीर स्वामी की जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा बोल रहा है शांतिनाथ की मूर्ति बस्तर के भातेवाड़ा से प्राप्त हुई है। चौथा बोल रहा है भोंगापाल कोंडा गांव से जैन धर्म के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब छांटना हमको क्या है, तो कौन सा कथन असत्य नहीं है, बोल रहा है क्या बोल रहा है, असत्य नहीं है, मतलब हमको सत्य कथन छांटना है। ये चार ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से आप अपना आंसर दीजिए, लगा लिए आप आंसर, ठीक। चलो चर्चा करते हैं, पहले ऋषभदेव के संबंध में पहले जान लेते हैं, जैन धर्म के बारे में ही थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैन धर्म के अंतर्गत जो जैन धर्म का प्रवर्तक या उसके जो फाउंडर किसे कहा जाता है, महावीर स्वामी को कहा जाता है। हालांकि महावीर स्वामी क्या है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे, फिर भी उनको क्या कहा जाता है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। लेकिन जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के रूप में किनका नाम आता है, तो ऋषभदेव या आदिनाथ जी का नाम आता है। यहां तक क्लियर है आपको, समझ में आ गया, ठीक। अब जो जैन धर्म है उसके अंतर्गत जो वास्तविक ज्ञान की अवस्था है वो कहलाती है क्या, कैवल्य।
और जो भी व्यक्ति इस कैवल्य की अवस्था को प्राप्त कर लेता है वह क्या कहलाता है? जीन या तीर्थंकर कहलाता है। जीन का अर्थ होता है विजेता। क्या होता है? विजेता। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो वो क्या कहलाते हैं? तो वो जीन कहलाते हैं। ठीक। और इन जीनों के या तीर्थंकरों के उपदेशों को पालन करने वाले या उनके द्वारा जो भी मार्ग बताए जा रहे हैं उन मार्गों पर चलने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? जैन कहलाते हैं। समझ आ गया? जैन धर्म के अंतर्गत टोटल कितने तीर्थंकर? तो जैन धर्म के अंतर्गत 24 तीर्थंकर हैं, है ना। इन 24 तीर्थंकरों में से जो प्रथम तीर्थंकर है वो उनका नाम क्या? तो ऋषभ देव है। इनका नाम क्या? ऋषभ देव। और ऋषभ देव की जो जानकारी है, ठीक, ऋषभ देव की जो जानकारी है वो हमको कहां से प्राप्त होती है? तो ऋषभ देव की जानकारी एक तो हमको मिलता है गुंजी, शक्ति जिले के अंतर्गत, वर्तमान में शक्ति जिले के अंतर्गत गुंजी, और दूसरा मिलता है हमको बूढ़ी खार, बिलासपुर के मल्हार के समीप एक जगह है जिसका नाम है क्या? बूढ़ी खार। तो इस ऋषभ देव की या ऋषभ देव जी की जानकारी हमको कहां से प्राप्त हो रही है? तो वर्तमान शक्ति जिले के गुंजी और बिलासपुर जिले के मल्हार के समीप बूढ़ी खार से ऋषभ देव जी के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। इन दोनों स्थानों से ऋषभ देव जी की क्या प्राप्त हुई है? हमको मूर्ति प्राप्त हुई है। क्लियर है यहां तक? इसके अलावा जैन धर्म के जो पांचवे तीर्थंकर थे उनका नाम है सुमित नाथ। क्या है नाम? सुमित नाथ। सुमित नाथ जी के विषय में जो जानकारी है वो हमको आरंग से मिलता है। कहां से मिलता है? आरंग। आरंग कहां पर है? तो रायपुर में है। कहां पर है? रायपुर में है। साथ ही जैन धर्म के अंतर्गत जो सोलहवें तीर्थंकर है उनका नाम है शांतिनाथ। क्या है नाम? शांतिनाथ। और जो शांतिनाथ जी हैं इनकी मूर्ति बस्तर के अंतर्गत भाटागुड़ा, बस्तर के अंतर्गत भाटागुड़ा, इस बस्तर के अंतर्गत जो भाटागुड़ा नामक स्थान है यहां से 3 फीट की प्रतिमा प्राप्त हुई है। 3 फीट की प्रतिमा प्राप्त हुई है। कहां से? शांतिनाथ की प्रतिमा बस्तर के भाटागुड़ा से प्राप्त हुई है। और कितने फीट की है ये? तो ये 3 फीट की है। इसके अलावा जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? तो पार्श्वनाथ जी हैं। कौन है? पार्श्वनाथ जी, है ना। और जो पार्श्वनाथ है इनके संबंध में पहले दो चीजों को आप ध्यान रखना। पहला आपका क्या? तो नगपुरा। कौन सा क्षेत्र आपका? नगपुरा। नगपुरा कहां पर? तो दुर्ग में, है ना। और दुर्ग के अंतर्गत जो नगपुरा है यहां पार्श्वनाथ जैन मंदिर है। कौन सा मंदिर है? पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, ठीक। और ये जो पार्श्वनाथ जैन मंदिर है ये शिवनाथ नदी के तट पर है। साथ ही नगपुरा शहर भी किस नदी के तट पर है? तो शिवनाथ नदी के तट पर है। दुर्ग शहर भी किस नदी के तट पर है? तो शिवनाथ नदी के तट पर है। क्लियर है? महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत हमने इस चीज के बारे में एक अध्ययन किया था, आपको पता ही होगा। चलो जल्दी से बताना तो कि जो शिवनाथ नदी है इसका जो प्रवाह है वो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कौन कौन से जिलों से होता है? शिवनाथ नदी का प्रवाह क्षेत्र बताइए जल्दी कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत किन किन जिलों से शिवनाथ नदी का प्रवाह होता है, जल्दी बताएंगे आप। इसके अलावा आप ध्यान रखना छत्तीसगढ़ के अंतर्गत एक जिला जिसका नाम है कवर्धा, और कवर्धा के अंतर्गत दो चीजें ध्यान में रखनी है आपको। एक ध्यान रखना कवर्धा के अंतर्गत एक जगह है जिसका नाम है बकेला। बकेला से पार्श्वनाथ जी की मूर्ति प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुए है? पार्श्वनाथ की मूर्ति। और ये जो पार्श्वनाथ की मूर्ति है इसे पंडरिया, पंडरिया के जैन मंदिर में स्थापित किया गया है। पंडरिया के जैन मंदिर में स्थापित किया गया है। पंडरिया के जैन मंदिर में स्थापित किया गया है, ठीक है। किसे स्थापित किया गया है? तो जो मूर्ति कवर्धा के अंतर्गत बकेला से प्राप्त हो रही है उस मूर्ति को पंडरिया के अंतर्गत जो जैन मंदिर है वहां स्थापित किया गया है। किसकी मूर्ति प्राप्त हुई? तो पार्श्वनाथ जी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके अलावा जो पार्श्वनाथ जी हैं इनकी मूर्तियां
एक महेशपुर और दूसरा सीताबाड़ी, महेशपुर और सीताबाड़ी से क्या हुई है, पार्श्वनाथ जी की मूर्ति प्राप्त हुई है। अब जो महेशपुर है ये वर्तमान के अंतर्गत सरगुजा जिले में है। किस जिले में है? सरगुजा जिले में है। जल्दी से बताइए महेशपुर किस नदी के किनारे है, जल्दी बताएंगे। अभी हमने अपवाह तंत्र के अंतर्गत इसके बारे में अध्ययन किया था। और दूसरा जो स्थल देख रहे हैं आप सीताबाड़ी, ये सीताबाड़ी वर्तमान में गरियाबंद जिले के अंतर्गत राजिम क्षेत्र में आता है। कौन सा क्षेत्र? सीताबाड़ी क्षेत्र। इन दोनों क्षेत्रों से भी क्या हुआ है, पार्श्वनाथ जी की मूर्ति प्राप्त हुई है। फिर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं उनका नाम है क्या, महावीर स्वामी जी, महावीर स्वामी, ठीक है। 24वें तीर्थंकर का नाम क्या, महावीर स्वामी। और जो महावीर स्वामी हैं इनकी जानकारी आरंग रायपुर से मिलती है, और आरंग रायपुर में महावीर स्वामी से संबंधित भांडल देउल जैन मंदिर है, भांडल देउल जैन मंदिर है, भांडल देउल जैन मंदिर। और आरंग को हम क्या कहते हैं, तो आरंग को हम कहते हैं मंदिरों की नगरी। आरंग को क्या बोलते हैं, मंदिरों की नगरी, ठीक। आरंग को क्या बोलते हैं हम, तो मंदिरों की नगरी बोलते हैं। समझ में आ गया जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स। पहला क्या, ऋषभदेव जी, ऋषभदेव जी की जो जानकारी है वो हमको कहां कहां से मिल रही है, तो सक्ती जिले के अंतर्गत गुंजी और बिलासपुर जिले के अंतर्गत बूढ़ी खार, इन दोनों जगहों से ऋषभदेव जी की क्या हुई है, हमको मूर्तियां प्राप्त हुई है। दूसरा फिर आपने क्या देखा, पांचवें तीर्थंकर कौन थे, तो सुमितनाथ जी थे। सुमितनाथ जी की जो जानकारी है वो कहां से मिल रही है, तो आरंग रायपुर से मिल रही है। तो देखो सुमितनाथ की भी जानकारी आरंग से मिल रही है, और महावीर स्वामी जी की भी जानकारी कहां से मिल रही है हमको, तो आरंग से मिल रही है। इसके अलावा शांतिनाथ जी जो कि जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर थे, इनकी मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है, तो भाटागुड़ा बस्तर से प्राप्त हुई है। कितने फीट की है मूर्ति, तो 3 फीट की मूर्ति प्राप्त हुई है। फिर हमने क्या देखा, पार्श्वनाथ जी के संबंध में जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, साथ ही जैन धर्म के प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर थे, ठीक है। जैसे कि जो 24 तीर्थंकर आप पढ़े हैं, उन 24 तीर्थंकरों में से जो पहले से 22वें तक के जो तीर्थंकर हैं उनको अनैतिहासिक तीर्थंकर कहा जाता है, क्योंकि जो पहले से 22वें तक के जो तीर्थंकर हैं उनके द्वारा जैनों के लिए या जो भी जैन धर्म के फॉलोअर्स थे उनके लिए किसी प्रकार के नियम कानून नहीं बनाए गए थे। जैन धर्म को पहली बार सुव्यवस्थित करने का कार्य किसके द्वारा किया गया था, तो पार्श्वनाथ जी के द्वारा किया गया था। अब पार्श्वनाथ जी के द्वारा 4 महाव्रत या 4 अणुव्रत दिए गए थे। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि पार्श्वनाथ जी के द्वारा कौन कौन से अणुव्रत दिए गए थे, तो क्या क्या दिया गया था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। बताना है आपको कि अस्तेय का अर्थ क्या होता है और अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है, जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में, अस्तेय और अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है। तो पहली बार जैन धर्म को सुव्यवस्थित करने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, पार्श्वनाथ जी के द्वारा किया जा रहा है। और पार्श्वनाथ जी को इसीलिए क्या कहा जाता है, जैन धर्म का प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर कहा जाता है। समझ में आ गया, जैन धर्म के अंतर्गत जो पार्श्वनाथ जी है उनका मंदिर छत्तीसगढ़ में कहां, तो नागपुर बोल रहा हूं, क्या नागपुर, नागपुर नहीं जानना है भाई अपने को, है ना। नागपुर में हम बहुत समय तक थे, जब तक क्या थे, मराठा हमारे ऊपर शासन कर रहे थे तब तक हम क्या थे, तो नागपुर के अधीन ही थे। अब हमको और नागपुर नहीं जाना है, ठीक है, हम छत्तीसगढ़ स्वतंत्र हैं, तो हमको क्या ध्यान रखना है, नागपुरा ध्यान रखना है। नागपुरा क्या, नागपुरा के अंतर्गत दुर्ग, है ना। तो दुर्ग के नागपुरा में पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, साथ ही कवर्धा के अंतर्गत बकेला से क्या हुआ है, पार्श्वनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके अलावा पंडरिया में क्या किया गया है, ये जो पार्श्वनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है उसको पंडरिया के जैन मंदिर में स्थापित किया गया। साथ ही महेशपुर और सीताबाड़ी से भी क्या हुआ है, पार्श्वनाथ जी की मूर्तियां प्राप्त हुई है। और 24वें तीर्थंकर कौन है, तो महावीर स्वामी, जिनका मंदिर कहां, तो आरंग, आरंग के अंतर्गत भांडल देउल जैन मंदिर। क्लियर है यहां तक, आरंगों को क्या कहते हैं, तो मंदिरों की नगरी कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऋषभदेव की जानकारी गुंजी एवं बूढ़ी खार से प्राप्त हुई है, सही।
अभी जस्ट देखा हमने। दूसरा क्या बोल रहा है, रायपुर के आरंग से सुमित नाथ एवं महावीर स्वामी की जानकारी प्राप्त होती है। यह कथन भी बिल्कुल सही है, सुमित नाथ एवं किसकी जानकारी प्राप्त हो रही है, महावीर स्वामी की जानकारी प्राप्त हो रही है। शांतिनाथ की मूर्ति बस्तर के भातेवाड़ा से प्राप्त हुई है, गलत। भातेवाड़ा से प्राप्त हुई है क्या? नहीं, कहाँ से प्राप्त हुई है? तो भाटागुड़ा से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? भाटागुड़ा से प्राप्त हुआ है। भोंगापाल कोंडा गांव से जैन धर्म के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इतना जगह जो देखा हमने उसमें आपने कहीं पर भी भोंगापाल पढ़ा? नहीं पढ़ा। भोंगापाल से बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिले हैं। तो चौथा कथन भी क्या हो जा रहा है आपका? गलत हो जा रहा है। छांटना क्या है हमको? असत्य नहीं है, मतलब सत्य कथन छांटने हैं। तो एक और दो क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के संबंध में कथनों पर विचार करें। किसके संबंध में? पार्श्वनाथ जी के संबंध में आपको कथनों पर विचार करना है। ये जैन धर्म के प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर थे। दूसरा बोल रहा है, कवर्धा के पंडरिया से पार्श्वनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है। तीसरा बोल रहा है, नकपुरा में शिवनाथ नदी के तट पर पार्श्वनाथ जैन मंदिर है। और चौथा बोल रहा है, गरियाबंद जिला जैन धर्म से संबंधित नहीं है। कौन सा जिला? गरियाबंद जिला जैन धर्म से संबंधित नहीं है। असत्य कथनों की हमको पहचान करनी है। अभी जस्ट पढ़ा आपने, अभी तक इसका आंसर भी लगा लिया होगा। लगा लिया होगा? लगा लो भाई, कब लगाओगे? लगा लिए ना, गुड। चलो चर्चा करते हैं। पहला क्या बोल रहा है, ये जैन धर्म के प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर थे। सही हो रहा है। मैंने बताया आपको कि पार्श्वनाथ जी क्या है? जैन धर्म के प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर हैं। क्यों इनको प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर कहा जाता है? तो इनके द्वारा ही जैन धर्म को क्या किया गया था? पहली बार सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित किया गया था, है ना। और चार अणुव्रत इनके द्वारा दिए गए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, है ना। अस्तेय का अर्थ क्या? तो चोरी नहीं करना। अपरिग्रह का अर्थ क्या? तो धन का संग्रह निषेध है ना। आपको आवश्यकता से अधिक क्या नहीं करना है? धन का संग्रह नहीं करना है। तो जितना भी आपके पास धन है आप चाहें तो क्या कर सकते हैं? मुझे लाकर दे सकते हैं, ठीक है। पार्श्वनाथ जी के कथनों का पालन कीजिए और क्या कीजिए? आवश्यकता से अधिक धन मुझे लाकर दीजिए। क्लियर है? ठीक। अगला क्या बोल रहा है, कवर्धा के पंडरिया से पार्श्वनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहां से? तो कवर्धा के पंडरिया से पार्श्वनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है, ऐसा बोल रहा है। क्या पंडरिया से प्राप्त हुआ है? नहीं। मूर्ति कहां से प्राप्त हुआ है? तो कवर्धा के अंतर्गत बकेला से प्राप्त हुआ है। जिसे कहां रखा गया है? तो पंडरिया के अंतर्गत जैन मंदिर में स्थापित किया गया है। तो दूसरा कथन क्या हो जा रहा है आपका? गलत हो जा रहा है कि कवर्धा के पंडरिया से पार्श्वनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है। पार्श्वनाथ की मूर्ति पंडरिया से प्राप्त नहीं हुई है, बकेला से प्राप्त हुई है, जिसे पंडरिया के पार्श्वनाथ जैन मंदिर में रखा गया है। तीसरा क्या, नकपुरा में शिवनाथ नदी के तट पर पार्श्वनाथ जैन मंदिर है। ये सही है। नकपुरा में क्या है? शिवनाथ नदी के तट पर पार्श्वनाथ जैन मंदिर है। और चौथा क्या बोल रहा है, गरियाबंद जिला जैन धर्म से संबंधित नहीं है। अभी हमने देखा कि जो पार्श्वनाथ जी थे उनकी मूर्ति गरियाबंद के अंतर्गत जो राजिम क्षेत्र है वहां के सीताबाड़ी ग्राम से क्या हुई है? प्राप्त हुई है। तो गरियाबंद जिला क्या है? जैन धर्म से संबंधित है। यह कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमको क्या छांटना है? असत्य कथनों की पहचान करनी। कौन कौन से कथन असत्य है? एक और तीन हमारे क्या है? असत्य है, ठीक। कौन कौन सा कथन असत्य है? सॉरी, दो और चौथा जो कथन है वो क्या है हमारा? असत्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। दूसरा और जो चौथा कथन है वो क्या है? असत्य है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला बोल रहा है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान से भारत का एकमात्र महिला बौद्ध विहार प्राप्त हुआ है? क्या बोल रहा है? छत्तीसगढ़ के किस स्थान से भारत का एकमात्र महिला बौद्ध विहार प्राप्त हुआ है? सिरपुर से, मल्हार से, रतनपुर से कि तुरतुरिया से, है ना। इसका मैं सीधा आंसर बता देता हूं आपको कि ये जो तुरतुरिया दिख रहा है आपको बलौदा बाजार जिले के अंतर्गत, वहां से क्या हुआ है हमको? महिला बौद्ध विहार के साक्ष्य मिले हैं और कहा जाता है कि संपूर्ण भारत का एकमात्र महिला बौद्ध विहार था। क्लियर है यहां तक? कहां से? तो तुरतुरिया बलौदा बाजार से। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म से संबंधित कथनों पर आपको विचार करने हैं। पहला कथन क्या बोल रहा है, सिरपुर से महात्मा बुद्ध की पीतल से निर्मित मूर्ति प्राप्त हुई है। दूसरा बोल रहा है,
चीनी यात्री ह्वेनसांग ने महात्मा बुद्ध के छत्तीसगढ़ की यात्रा की पुष्टि नहीं की। तीसरा बोल रहा है औदान शतक के अनुसार महात्मा बुद्ध सिरपुर में 3 माह निवास किए। और चौथा बोल रहा है मैनपाट, तुरतुरिया, मल्हार, महेशपुर, डोंगरगढ़ बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र हैं। अब इसमें छांटना क्या है हमको, तो निम्न में से सत्य कथनों की पहचान हमको करनी है, सही कथन छांटना है। चलिए जल्दी से आप अपना आंसर लगाइए, फिर मैं बताता हूं। लगा लिया आंसर, क्लियर। चलो आंसर बताने से पहले छत्तीसगढ़ के अंतर्गत बौद्ध धर्म संबंधित क्या क्या प्रमाण हैं इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। हेडिंग क्या डालना है आपको, बौद्ध धर्म एवं छत्तीसगढ़। क्या हेडिंग डालना है, बौद्ध धर्म एवं छत्तीसगढ़, ये आपको क्या करनी है, हेडिंग डालनी है। ठीक है, आपको पता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, प्रवर्तक कौन है, फाउंडर कौन है, तो महात्मा बुद्ध है। कौन है, महात्मा बुद्ध। ठीक, बौद्ध धर्म की जो जानकारी है ये हमको मिलती है अवदान शतक में। ऐसे तो बहुत सारे ग्रंथों में मिलती है, लेकिन अभी हमारा काम का क्या है, तो अवदान शतक है जो कि एक प्रमुख बौद्ध ग्रंथ है। इस अवदान शतक में महात्मा बुद्ध के जीवन का वर्णन किया गया है। महात्मा बुद्ध के जीवन का वर्णन किया गया है। क्या कर किया गया है, तो महात्मा बुद्ध के जीवन का वर्णन किया गया है। ठीक, और क्या कहा गया है कि महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने अपने जीवन काल में छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। क्या की थी, छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो सिरपुर है, इस सिरपुर में 3 माह निवास किया था। सिरपुर में 3 माह निवास किया था, समझ में आ गया। अब 3 माह इन्होंने निवास किया, यहां तक क्लियर है। अब इसके अलावा 639 AD में, कब, 639 AD में एक चीनी यात्री आए थे। ठीक है, कौन आए थे, चीनी यात्री। चीनी यात्री का नाम क्या, तो नाम है इनका ह्वेनसांग। चीनी यात्री का नाम क्या है, तो ह्वेनसांग। ह्वेनसांग क्या किए थे, 639 AD में छत्तीसगढ़ की यात्रा किए थे। छत्तीसगढ़ की यात्रा, किसकी यात्रा, तो छत्तीसगढ़ की यात्रा कब किए, 639 AD में, है ना। भारत कब आया ऐसा पूछे आपको, तो 629 AD में आए थे। 629 ईस्वी में कहां आए थे, ये भारत आए थे। किसके शासनकाल में आए थे, तो सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। अभी आपका भारतीय इतिहास का भी लेक्चर चल रहा है, उसमें आपने ये चीज पढ़ भी लिया होगा, है ना। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में क्या हुए थे, ये जो व्यक्ति हैं क्या हुए थे, भारत आए थे। 629 to 645 तक ये क्या रहते हैं, भारत में रहते हैं। और उसके बाद फिर कहाँ चले जाते हैं, फिर से चाइना चले जाते हैं। ठीक है, चाइनीज माल है ये, तो कहाँ चले गए ये, फिर से चाइना चले जाते हैं। ये जो व्यक्ति है इतिहास में, आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसके जिसके दरबार में ये आदमी गया है उसका बेड़ा गर्क करके वहां से निकला है। जहां भी ये आदमी जाता है उसके बाद युद्ध होता है, और युद्ध में उस राजा की पराजय होती है। आगे देखेंगे, अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। धोखा आदमी है ये, कैसा आदमी है, धोखा आदमी है। ठीक, तो पढ़ते हैं ह्वेनसांग के बारे में, मजाक की बात है, सीरियसली नहीं लेना इसको, है ना। जब ह्वेनसांग छत्तीसगढ़ आए थे, तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत किसका शासन था, तो पांडु वंश के शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासन था। ठीक है, महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासन था। साथ ही ह्वेनसांग ने छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सिरपुर, महासमुंद और मल्हार
कि क्या की थी, यात्रा की थी। और जो ह्वेनसांग है इन्होंने एक ग्रंथ की रचना भी की थी, रचना का नाम क्या, सीयू की ग्रंथ का नाम क्या है, सीयू की। और जो सीयू की है इसमें इन्होंने छत्तीसगढ़ को किया सलो कहा है। क्या कहा है, किया सलो कहा है। और इसके अलावा भारत को इन्होंने यिन तू कहा है, यिन तू। भारत को क्या कहा है, तो यिन तू कहा है। ठीक, साथ ही सीयू की में इन्होंने महात्मा बुद्ध के जो छत्तीसगढ़ निवास की जानकारी औदान शतक में प्राप्त हो रही है उसके बारे में भी क्या किया है, इन्होंने वर्णन किया है कि हाँ महात्मा बुद्ध ने क्या किया था, सिरपुर की यात्रा किया था, है ना। तो महात्मा बुद्ध के छत्तीसगढ़ यात्रा की पुष्टि इनके द्वारा की गई है। महात्मा बुद्ध के छत्तीसगढ़ यात्रा की पुष्टि समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक। अब हम देख लेते हैं कि प्रमुख बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं। बौद्ध ग्रंथ नहीं देखते, बौद्ध केंद्र देखते हैं हम लोग, प्रमुख बौद्ध केंद्र। प्रमुख बौद्ध केंद्रों में आप ध्यान रखेंगे, पहला तो सिरपुर। क्या ध्यान रखना है आपको, सिरपुर। सिरपुर के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, तो आनंद प्रभु कुटीर विहार, दूसरा आपको ध्यान रखना है स्वास्तिक विहार, इन दोनों विहारों का निर्माण बौद्ध भिक्षु आनंद प्रभु ने कराया। किसने कराया, बौद्ध भिक्षु आनंद प्रभु ने कराया। इसके अलावा एक है तीवर देव विहार, तीवर देव विहार, इसका निर्माण पांडु वंश के प्रतापी शासक महाशिव तीवर देव ने कराया। किसने कराया, महाशिव तीवर देव ने कराया। इसके अलावा एक बौद्ध स्तूप, बौद्ध स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया, मौर्य सम्राट अशोक। इसके साथ ही महात्मा बुद्ध की पीतल की मूर्ति भी यहां प्राप्त हुई है, महात्मा बुद्ध के पीतल की मूर्ति। महात्मा बुद्ध के पीतल की मूर्ति भी क्या हुई है, हमको यहाँ प्राप्त हुई है। इसके अलावा हम देखें कि कौन कौन से स्थल हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, तो बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख स्थलों में अगला है आपका मैनपाट। मैनपाट जो है, जब 1962 के समय में क्या होता है, भारत और चीन का युद्ध होता है, आपने पढ़ ही लिया है। कब पढ़ा था, तो जब हम मैनपाट पढ़ रहे थे पाट प्रदेश के अंतर्गत, तब पढ़ लिया था आपने, है ना। क्या क्या हुआ था, चलो जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, कि 1962 में किसका किसका युद्ध, तो भारत और चीन का युद्ध, भारत चीन युद्ध। इस भारत चीन युद्ध में क्या हुआ था, तो जो तिब्बती शरणार्थी थे इनको क्या किया गया था, मैनपाट में बसाया गया था।
मैन पार्ट में बसाया गया था। और जब से मैन पार्ट में तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया, तब से आपको पता है कि क्या हो गया, जो मैन पार्ट है वो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र हो गया। यहाँ पर बौद्ध पूर्णिमा में क्या होता है, मेला लगता है, ये बात क्लियर है। साथ ही इसी समय से ही मैन पार्ट को हम क्या बोलते हैं, तो मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ का तिब्बत भी कहा जाता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा प्रदेश होने के कारण मैन पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है। क्लियर। इसके अलावा हम क्या देखे हैं, एक प्रज्ञागिरी की पहाड़ी देखे हैं, तो प्रज्ञागिरी के पहाड़ी के बारे में भी आपने पढ़ लिया है। जब हम मैकल पर्वत पढ़ रहे थे तो प्रज्ञागिरी पहाड़ी के अंतर्गत महात्मा बुद्ध की क्या स्थापित की गई है, 30 फीट की प्रतिमा स्थापित की गई है। 30 फीट की जो प्रतिमा है उसकी अवस्था कैसी है, तो उसकी अवस्था समाधि अवस्था में है। साथ ही यहाँ प्रज्ञागिरी की पहाड़ी पर या डोंगरगढ़ में राजनांदगांव के अंतर्गत क्या होता है, 6 फरवरी को हर साल बौद्ध सम्मेलन होता है, इंटरनेशनल बौद्ध सम्मेलन होता है। बताएंगे आप इस वर्ष जो इंटरनेशनल बौद्ध सम्मेलन हुआ उसका कौन सा क्रम था, इंटरनेशनल बौद्ध सम्मेलन का कौन सा क्रम था। फिर आपको ध्यान रखना है क्या, तुरतुरिया, तुरतुरिया में उत्खनन से विशाल बुद्ध मूर्ति प्राप्त हुई है। उत्खनन से विशाल बुद्ध मूर्ति क्या हुई है, हमको प्राप्त हुई है। साथ ही महिला बौद्ध विहार भी प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, महिला बौद्ध विहार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मल्हार से भी उत्खनन के दौरान भगवान बुद्ध की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई है, भगवान बुद्ध की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई है। इसके अलावा एक स्थान और याद रखना आप, भोंगापाल। क्या याद रखना है, भोंगापाल। अब भोंगापाल जो है ये कहां पर है, तो ये कोंडा गांव में है, क्वेश्चन में आपने देखा था। और ये जो भोंगापाल है ये छत्तीसगढ़ में प्रमुख बौद्ध केंद्रों में से एक केंद्र भोंगापाल भी है। क्लियर है यहां तक, बौद्ध धर्म के बारे में आपको समझ में आ गया, क्या क्या देखा आपने, एक बार पढ़ लेते हैं इसको फिर से। सबसे पहले आपने क्या देखा कि इसके संस्थापक कौन, महात्मा बुद्ध। जानकारी किससे प्राप्त हो रही हमको, अवदान शतक से। अवदान शतक क्या है, तो एक बौद्ध ग्रंथ है, है ना। इस अवदान शतक में किसका वर्णन मिल रहा है, तो महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में हमको वर्णन मिलता है। क्या वर्णन मिलता है कि महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल में छत्तीसगढ़ की भी क्या की थी, यात्रा की थी। अब छत्तीसगढ़ की जब उन्होंने यात्रा की थी तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कहां पे आए थे, वो सिरपुर। और सिरपुर में कितने माह निवास किए, तो 3 माह इन्होंने निवास किया था। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि 639 ईस्वी में एक चीनी यात्री आ रहे हैं छत्तीसगढ़, जिसका नाम क्या, भेनसांग। भेनसांग क्या कर रहे हैं, जब छत्तीसगढ़ आए थे तो उस समय छत्तीसगढ़ में किसका शासन था, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासन था। अब महाशिवगुप्त बालार्जुन किस वंश के थे, तो पांडु वंश के थे। किस वंश के थे, पांडु वंश के थे, है ना। और इनके शासन काल को ही, महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल को ही जो हेनसांग है उन्होंने छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग कहा था। क्यों, इनकी धार्मिक सहिष्णुता, मतलब महाशिवगुप्त बालार्जुन की धार्मिक सहिष्णुता के कारण। आगे पढ़ेंगे जब हम पांडु वंश पढ़ेंगे तो इसके बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अगला क्या, हेनसांग कहां कहां की यात्रा किए थे, तो सिरपुर और मल्हार की यात्रा किए थे। कहां कहां की यात्रा किए, सिरपुर और मल्हार की यात्रा किए थे, है ना। फिर क्या देखा हमने, इनकी रचना है, रचना क्या, सीयूकी। सीयूकी के अंतर्गत जो हेनसांग है इन्होंने छत्तीसगढ़ को क्या कहा है, कियासलो कहा है। और भारत को क्या कहा है, तो भारत को इन्होंने यिंतु कहा है। साथ ही महात्मा बुद्ध के छत्तीसगढ़ यात्रा की क्या की, इन्होंने पुष्टि भी की है। फिर हम देख रहे थे क्या, प्रमुख बौद्ध केंद्र। प्रमुख बौद्ध केंद्र के अंतर्गत सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं, सिरपुर। सिरपुर के अंतर्गत क्या, चलो मेरे साथ बोले आप,
आनंद प्रभु कुटीर विहार और स्वास्तिक विहार, दोनों विहारों का निर्माण किसके द्वारा? तो बौद्ध भिक्षु आनंद प्रभु के द्वारा। इसके अलावा तीवर देव विहार, तीवर देव जो विहार है इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो महाशिव तीवर देव के द्वारा कराया गया। महाशिव तीवर देव जो थे वो किस वंश के शासक थे? तो पांडु वंश के प्रतापी शासक थे। अभी पढ़ेंगे इनके बारे में भी। फिर हम क्या देख रहे हैं? बौद्ध स्तूप देख रहे हैं। बौद्ध स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक, ठीक, भारत के प्रतापी शासक मौर्य शासक सम्राट अशोक के द्वारा क्या किया गया? बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया गया। साथ ही सिरपुर में हमको और क्या मिली है? तो महात्मा बुद्ध के पीतल की मूर्ति हमको प्राप्त हुई है। इसके अलावा मैनपाट के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है जब हम जियोग्राफी पढ़ रहे थे। तो फिर भी क्या जानना है आपको? 1962 में जो भारत चीन का युद्ध हुआ, इस भारत चीन युद्ध में जो तिब्बती शरणार्थी थे उनको क्या किया गया था? मैनपाट में बसाया गया था। तब से मैनपाट क्या? बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र, बुद्ध पूर्णिमा में मेला लग रहा है वहां पर, है ना, और तभी से मैनपाट को क्या कहा जा रहा है? छत्तीसगढ़ का तिब्बत कहा जा रहा है। तुरतुरिया क्यों याद रखना है आपको? तो तुरतुरिया में भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति प्राप्त हुई है। साथ ही यहाँ पर महिला बौद्ध विहार है। अगला एक प्रज्ञागिरी की पहाड़ी भी आपने देख लिया, इसके बारे में कंप्लीट आपने चर्चा कर लिया। फिर मल्हार से भी उत्खनन से क्या हुई है? भगवान बुद्ध की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई है। और भोंगापाल जो कोंडा गांव है वो भी क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख स्थल है। क्लियर है यहां तक? आते हैं हमारे क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म से संबंधित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या विचार करना है? तो सिरपुर से महात्मा बुद्ध की पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई, बिल्कुल सही है। सिरपुर से क्या हुआ है? महात्मा बुद्ध के पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। दूसरा क्या बोल रहा है? चीनी यात्री हेन सांग ने महात्मा बुद्ध के छत्तीसगढ़ यात्रा की पुष्टि नहीं की। गलत, छत्तीसगढ़ यात्रा की पुष्टि की गई है। किसके द्वारा? हेन सांग के द्वारा। और किसमें किया गया है? तो अपनी रचना सीयूकी में किया गया है। तीसरा क्या बोल रहा है? औदान शतक के अनुसार महात्मा बुद्ध सिरपुर में 3 माह निवास किए। यह कथन भी बिल्कुल सही है। औदान शतक के अनुसार जो महात्मा बुद्ध है उन्होंने क्या किया था? सिरपुर में 3 माह निवास किया था। चौथा क्या बोल रहा है? मैनपाट, तुरतुरिया, मल्हार, महेशपुर, डोंगरगढ़ बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र है। तो अभी आपने देखना, मैनपाट तो है, तुरतुरिया भी है, मल्हार भी है, लेकिन ये जो महेशपुर है ये बौद्ध धर्म से नहीं बल्कि जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के अंतर्गत जो 23वें तीर्थंकर हैं, कौन? पार्श्वनाथ। उनकी मूर्ति हमको कहाँ से प्राप्त हुई है? महेशपुर सरगुजा से प्राप्त हुई है। इसके अलावा डोंगरगढ़ भी क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो चौथा कथन भी क्या हो जा रहा है? गलत हो रहा है। क्या छाटना है हमको? सत्य कथनों की पहचान करनी है। तो सत्य कथन क्या क्या है आपके? जल्दी से आंसर लगाइए। ठीक, क्या है आंसर आपका? सी, एक और जो 3 है वो क्या है? सही है। क्लियर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछ रहा है आपको किन स्थानों से अशोककालीन बुद्ध की मूर्तियां प्राप्त हुई है? किन स्थानों से अशोककालीन बुद्ध की मूर्तियां प्राप्त हुई है? पहला बोल रहा है कोटाडोल तुरतुरिया, दूसरा बोल रहा है कोटाडोल और कपाटपुरम, तीसरा बोल रहा है तुरतुरिया और मल्हार, और चौथा बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। पूछ क्या रहा है आपको? तो अशोककालीन मतलब सम्राट अशोक के समय की भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वो कहां कहां से प्राप्त हुई है? लगा लिया आपने आंसर? नहीं लगाए हैं तो देखिए, तो ये जो कोटाडोल है आपका और तुरतुरिया, इन दो स्थानों से सम्राट अशोक के समय की बुद्ध की मूर्तियां प्राप्त हुई है। अब ये जो कोटाडोल है ये वर्तमान मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में है, और तुरतुरिया तो आपको पता है कि कहाँ पर है, बलौदा बाजार जिले में है। ठीक, साथ ये जो कपाटपुरम देख रहे हैं आप, इस कपाटपुरम से अशोक का लाठ प्राप्त हुआ है। अशोक का लाठ प्राप्त हुआ है कहां से? तो कपाटपुरम से। क्लियर, तो आंसर क्या हो गया आपका? ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राजवंशों को छत्तीसगढ़ में शासन काल के आधार पर क्रमानुसार व्यवस्थित करें, है ना। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि भारत के अंतर्गत कौन कौन से जो राजवंश थे वो छत्तीसगढ़ में शासन किए थे। तो भारत के अंतर्गत सबसे पहले आप ध्यान रखना मौर्य वंश, मौर्य के उपरांत सातवाहन, सातवाहन उपरांत कुषाण, कुषाण उपरांत गुप्त,
और गुप्त के बाद वाकाटक वंश का शासन रहा है। ये क्या है, भारतीय राजवंशों का छत्तीसगढ़ में शासन करने का क्रम है। ठीक है, भारतीय इतिहास के अंतर्गत नहीं है ये छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है। पहले मौर्य, फिर सातवाहन, फिर कुषाण, फिर गुप्त, फिर वाकाटक। अब मिला लीजिए आप कहां पर दिख रहा है आपको, मौर्य वंश तो तीनों में दिख रहा है, मतलब चौथा क्या हो जा रहा है आपका, यहीं पे एलिमिनेट हो गया। फिर मौर्य के बाद आपको क्या देखना है, सातवाहन। तो मौर्य के बाद सातवाहन आपको कहां दिख रहा है, तो बी सी में दिख रहा है। फिर आप क्या देख रहे हैं, कुषाण, तो कुषाण भी है और गुप्त तो गुप्त भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला बोल रहा है, मौर्यकालीन आहत मुद्रा के संबंध में असत्य कथन पहचानिए। किसके संबंध में, मौर्यकालीन आहत मुद्रा के संबंध में आपको असत्य कथनों की क्या करनी है, पहचान करनी है। पहला क्या बोल रहा है कि आहत मुद्रा तारापुर, आरंग, कुड़ेला से प्राप्त हुए हैं। दूसरा बोल रहा है, इन मुद्राओं की खोज रमेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा की गई। तीसरा बोल रहा है, इन मुद्राओं की कुल वजन 12 रत्ती है और इनकी खोज 1979-80 में हुई थी। तो सबसे पहले जान लीजिए आप आहत मुद्रा होता क्या है। तो ऐसा मुद्रा, ठीक है, जिसको बनाने के बाद क्या किया जा रहा है, उस पर आघात किया जा रहा है, एक सील बनाया जा रहा है। ठीक, आघात कर उस पर क्या किया जा रहा है, कोई भी एक निशान बनाया जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा कहते हैं। ठीक, तो ये जो मौर्यकालीन आहत मुद्रा है ये रायपुर के अंतर्गत, कहां से, यहीं पर जैसे मैं चर्चा करूं आहत मुद्रा के बारे में, तो जो आहत मुद्रा है ये रायपुर के अंतर्गत तारापुर, आरंग और उड़ेला से प्राप्त हुए हैं। कहां कहां से प्राप्त हुए हैं, रायपुर के अंतर्गत तारापुर, आरंग और उड़ेला से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और ये जो रायपुर के तारापुर, आरंग और उड़ेला से आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं, इनका जो वजन है वो 12 रत्ती है। कितना है, 12 रत्ती है। साथ ही इन सिक्कों की खोज या इन आहत मुद्राओं की खोज रमेंद्रनाथ मिश्र ने, किसके द्वारा, रमेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा 1969-70 में की गई थी। कब की गई थी, 1969-70 में की गई थी। अब इससे आपका आंसर बन जाएगा, क्या बोल रहा है, आहत मुद्रा तारापुर, आरंग, उड़ेला से प्राप्त हुआ है। बिल्कुल सही है, तारापुर, आरंग, उड़ेला से प्राप्त हुआ है और सभी स्थान कहां पर है, तो रायपुर में है। दूसरा क्या बोल रहा है, इन मुद्राओं की खोज रमेंद्रनाथ मिश्र ने की, यह भी सही है। तीसरा बोल रहा है, मुद्राओं का कुल वजन 12 रत्ती है, यह भी सही है। इनकी खोज 1979-80 में हुई थी, यह कथन गलत है। कब हुआ था खोज, तो 1969-70 में इन मुद्राओं की खोज हुई थी। तो चौथा ऑप्शन क्या हो जा रहा है आपका, गलत हो जा रहा है। और यही क्या होगा आपका आंसर होगा कि इस जो मौर्य काल के अंतर्गत आहत मुद्रा है उसके संबंध में असत्य कथन क्या है कि इसकी खोज 1979-80 में हुई थी, यह कथन क्या है, गलत है। सही क्या होगा, तो 1969-70 में, 1969-70 में क्या हुआ था, आहत मुद्राओं की खोज हुई थी। इसके अलावा जो मौर्य काल है, मौर्य काल के अंतर्गत जो सामान्य मुद्रा है वो रायगढ़ के अंतर्गत बार क्षेत्र से, इसके अलावा सारंगढ़ बिलेगढ़ का सारंगढ़, जांजगीर चापा का अकलतरा एवं शक्ति जिले के ठठारी से क्या हुए हैं, मौर्यकालीन आहत मुद्रा प्राप्त हुए हैं। और मौर्यकालीन प्रमाणों की अगर मैं बात करूं तो मौर्य काल के अंतर्गत रामगढ़ की पहाड़ी में, सरगुजा के अंतर्गत जो रामगढ़ की पहाड़ी है वहां पर जो गुफा है वो भी किससे संबंधित है, तो मौर्य काल से संबंधित है। और वहां पर जो सीता बेंगरा की गुफा है और जो जोगी मारा की गुफा है, जिसके बारे में आपने डिटेल में क्या कर लिया है, अध्ययन कर लिया है, ये वीडियो खत्म होने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सीता बेंगरा की गुफा और जोगी मारा की गुफा के अंतर्गत क्या क्या विशेष चीजें हैं, वो आप मुझे वीडियो खत्म होने के बाद बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। वीडियो खत्म हो जाएगा फिर आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे और सीता बेंगरा गुफा और कौन सा गुफा आपका, जोगी मारा गुफा के बारे में एक विस्तृत डिटेल क्या करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन के अंतर्गत एक आंसर प्रस्तुत करेंगे सीता बेंगरा गुफा और किसके बारे में, जोगी मारा गुफा के बारे में। अभी नहीं लिखना है, अभी सिर्फ आप पढ़ाई में ध्यान देंगे। क्लियर है यहां तक। फिर आप एक चीज उसमें ऐड कीजिएगा कि जो सीता बेंगरा की गुफा है और जो जोगी मारा की गुफा है, इसका अध्ययन संत लाल कटारे जी ने किया था। किसने किया था, तो संत लाल कटारे जी ने किया था। इस फैक्ट को ऐड करके आप क्या करेंगे,
एक आंसर राइटिंग करेंगे कहां पर, कमेंट सेक्शन में, कब, तो वीडियो खत्म होने के बाद, अभी आप अपना पढ़ाई करेंगे। क्लियर है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, मौर्यकालीन कुआं की खोज छत्तीसगढ़ में कब और किस स्थान से की गई थी। मौर्यकालीन जो कुआं है उसकी खोज छत्तीसगढ़ में कब और किस स्थान से की गई थी। 2014 में राजिम से, 2015 में गरियाबंद से, 2016 में महासमुंद से, कि 2016 में राजिम से। तो जो मौर्यकालीन कुआं है इसकी खोज 2016 में राजिम से हुई है। कहां से हुई है, 2016 में राजिम से हुई है। इसके अलावा आपको और क्या पता है कि सरगुजा के अंतर्गत जो कपाटपुरम है वहां से अशोक के लाठ प्राप्त हुए। मौर्यकालीन गुफाओं के संबंध में आपको क्या ध्यान देना है, तो मौर्यकालीन गुफा के संबंध में जो रामगढ़ पहाड़ी के अंतर्गत सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, जोगीमारा गुफा है वो मौर्य काल से संबंधित है। साथ ही आपने आहत मुद्रा के बारे में देख लिया, तारापुर, आरंग और उड़ेला से क्या हो रहे हैं, आहत मुद्रा प्राप्त हो रहे हैं। और सामान्य मुद्रा के बारे में भी आपने चर्चा कर लिया कि सामान्य मुद्राएं कहां से प्राप्त हो रही है, तो मौर्यकालीन जो सामान्य मुद्राएं हैं वो रायगढ़ का बाढ़ क्षेत्र, सारंगढ़ बिलईगढ़ का सारंगढ़, जांजगीर चांपा का अकलतरा एवं शक्ति जिले के ठठारी से क्या हो रहा है, मौर्यकालीन सामान्य मुद्रा प्राप्त हो रहा है। क्लियर है यहां तक, ठीक, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला बोल रहा है, सातवाहन वंशीय किस शासक के सिक्कों पर नाग एवं हाथी का अंकन था। अपिलक, कुमारवर्धक, वेदश्री और इनमें से कोई नहीं। चलिए आप अपना आंसर लगाइए। लगा लिया आंसर, तो इसका आंसर है अपिलक। अपिलक के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, किनके सिक्के, अपिलक के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो बिलासपुर के, कहां से, बिलासपुर के मल्हार और शक्ति के बालपुर से प्राप्त हुए हैं सातवाहन शासक किसके, अपिलक के सिक्के। और इन सिक्कों पर नाग, हाथी एवं इसके अलावा एक चीज और ऐड कीजिएगा आप, खड़ी हुई स्त्री। ठीक, एक स्त्री है जो कि कैसी है, खड़ी हुई है। ठीक, एक खड़ी हुई स्त्री का भी क्या है, अंकन है किसके सिक्कों में, तो सातवाहन शासक अपिलक के सिक्कों में नाग, हाथी एवं खड़ी हुई स्त्री के क्या है, अंकन है। ठीक है, खड़ी हुई स्त्री के प्रतिमा का क्या है, अंकन है। कहां से प्राप्त हुआ है, तो बिलासपुर, बिलासपुर के अंतर्गत क्या आपका मल्हार, और शक्ति, शक्ति के अंतर्गत आपका बालपुर। इन दोनों जगहों से क्या हुए हैं, सातवाहन वंश के जो राजा है अपिलक उनके सिक्के प्राप्त हुए हैं। क्लियर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला बोल रहा है, हेनसांग की रचना सी युकी के संबंध में कथनों पर विचार करना है हमको। किसके संबंध में, हेनसांग की रचना सी युकी के संबंध में कथनों पर विचार करना है। पहला बोल रहा है, सी युकी में महात्मा बुद्ध के छत्तीसगढ़ निवास की पुष्टि होती है। सी युकी में क्या हो रही है, महात्मा बुद्ध के छत्तीसगढ़ निवास की पुष्टि होती है। दूसरा बोल रहा है, सातवाहन शासकों द्वारा बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए संघाराम बनाने की जानकारी मिलती है। तीसरा बोल रहा है, इस ग्रंथ में अशोक द्वारा सिरपुर में निर्मित बौद्ध स्तूप की जानकारी नहीं मिलती है। और चौथा बोल रहा है, इस ग्रंथ में भारत को किया सलो कहा गया है। और क्या करना है हमको, सत्य कथनों की पहचान करनी है कि कौन से कथन है वो सत्य है और कौन से जो कथन है वो असत्य है। चौथा क्वेश्चन आप डायरेक्ट यहीं से एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि इस ग्रंथ के अंतर्गत भारत को किया सलो नहीं कहा गया है। किसको किया सलो कहा गया है, छत्तीसगढ़ को किया सलो कहा गया है। तो कहां कहां आपको चौथा ऑप्शन दिख रहा है, बी और सी में क्या दिख रहा है, चौथा ऑप्शन दिख रहा है बी और सी। क्या हो गया आपका, ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गया। साथ ही अब आपको क्या जानना है, पहला क्वेश्चन, सी युकी में महात्मा बुद्ध के छत्तीसगढ़ निवास की पुष्टि होती है। तो अभी जस्ट हमने देखा कि हाँ, सी युकी जो हेनसांग की रचना है उसमें महात्मा बुद्ध के छत्तीसगढ़ निवास की पुष्टि होती है। दूसरा बोल रहा है, सातवाहन शासकों द्वारा बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए संघाराम बनाने की जानकारी मिलती है। यह कथन भी बिल्कुल सत्य है, जो सातवाहन शासक रहे हैं उनके द्वारा दक्षिण कोसल की राजधानी सिरपुर के समीप क्या किया गया था, बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए एक 5 मंजिला संघाराम का निर्माण कराया गया था। क्या कराया गया था, 5 मंजिला संघाराम, मतलब 5 मंजिला एक भवन का निर्माण कराया गया था। किसके लिए, तो बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए। क्लियर है यहां तक। तीसरा बोल रहा है, इस ग्रंथ में अशोक द्वारा सिरपुर में निर्मित बौद्ध स्तूप की जानकारी नहीं मिलती। यह कथन भी बिल्कुल सही है कि जो हेनसांग है उन्होंने जब छत्तीसगढ़ की यात्रा की तो उन्होंने क्या बताया, पहला
कि महात्मा बुद्ध ने यहाँ पर क्या की थी, यात्रा की थी, 3 माह निवास किया था, जो औदान शतक में बात है वो बिल्कुल सत्य है। दूसरा वो क्या बोल रहे हैं कि सातवाहन शासक लोग क्या कराए थे, यहाँ पर 5 मंजिला संघराम, 5 मंजिला बिल्डिंग का निर्माण कराया गया था, किसके लिए, तो बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए। लेकिन उन्होंने जैसे सुन के रखा था कि सम्राट अशोक ने क्या किया था, सिरपुर में बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था, तो उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में, अपने ट्रैवलॉग में लिखा है कि मुझे सिरपुर में कहीं पर भी क्या प्राप्त नहीं हुए हैं, मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित जो स्तूप है वो मेरे को कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए हैं। तो इस बात की क्या होती है, यहाँ पर हमको जानकारी मिलती है इस ग्रंथ में कि अशोक द्वारा निर्मित जो बौद्ध स्तूप है वो सिरपुर में नहीं है। ये कहा गया है किसके द्वारा, हेनसांग के द्वारा। तो ये कथन भी क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है। तो 1, 2 और 3 जो कथन है वो आपके सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, 1, 2 और 3 जो कथन है वो क्या है, सही है। समझ में आ गया। इसके उपरांत अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, छत्तीसगढ़ के प्राचीन ऋषभ तीर्थ से प्राप्त शिलालेख किस शासक के हैं। छत्तीसगढ़ के प्राचीन ऋषभ तीर्थ से प्राप्त शिलालेख किस शासक के हैं, ऐसा आपको पूछ रहे हैं। कुमारवरदत्त का, सम्राट अशोक का है, कि अपिलक का है, कि महापद्म नंद का। जल्दी आंसर लगाइए आप, ठीक क्या बोल रहे हैं आपको। तो ऋषभ तीर्थ, प्राचीन ऋषभ तीर्थ कहां पर है, तो सबसे पहले आप इसी को ध्यान देंगे, जो प्राचीन ऋषभ तीर्थ है वो है गुंजी। तो गुंजी से किस शासक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, ऐसा आपको पूछा जा रहा है। तो गुंजी से हमको कुमारवरदत्त के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। थोड़ा सातवाहन शासक कुमारवरदत्त के बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। जो कुमारवरदत्त थे, इनकी जानकारी हमको वर्तमान में शक्ति जिले के अंतर्गत 2 स्थानों से मिलती है। एक है आपका गुंजी, क्या है, गुंजी। गुंजी से हमको एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, और ये जो शिलालेख है ये 1st शताब्दी ईसा पूर्व का है, 1st BC का है, और इस शिलालेख की जो भाषा है वो प्राकृत है। ठीक है, क्या है, शिलालेख की भाषा प्राकृत है। साथ ही शिलालेख में उल्लेखित है कि कुमारवरदत्त ने अपनी आयु बढ़ाने, कुमारवरदत्त ने अपनी आयु बढ़ाने 1000 गाय ब्राह्मणों को दान दिया था, 1000 गाय ब्राह्मणों को दान दिया था। अब ये जो जानकारी आपको प्राप्त हो रही है इसके बारे में एक चीज और सुनिएगा। दूसरा, जैसे शक्ति से एक क्या देख रहे हैं, गुंजी, गुंजी से हमको क्या मिला है, शिलालेख मिला है, और दूसरा शक्ति, शक्ति के अंतर्गत एक और ग्राम है जिसका नाम है किरारी। ठीक है, कौन सा ग्राम, किरारी ग्राम। इस किरारी ग्राम से हमको एक काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ है, ठीक है, वुडन पिलर प्राप्त हुआ है, एक काष्ठ स्तंभ हमको क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। ये जो काष्ठ स्तंभ है इसकी खोज 1921 में हुई थी। कब हुई थी, किस, तो 1921 में हुई थी, और इस काष्ठ स्तंभ का निर्माण साल लकड़ी से किया गया। किस लकड़ी से किया गया है, तो साल लकड़ी से हुआ है। काष्ठ स्तंभ का निर्माण किससे हुआ है, तो साल लकड़ी से हुआ है। पुराने कुछ बुकों में उल्लेखित है कि जो काष्ठ स्तंभ है, जो काष्ठ स्तंभ है, इसी में वर्णित है कि जो कुमारवरदत्त हैं उन्होंने अपनी आयु बढ़ाने के लिए 1000 गाय क्या किया था, ब्राह्मणों को दान दिया था।
लेकिन अभी जितने भी बुक्स आ रहे हैं नए एडिशन के, उसमें ये दर्शाया जा रहा है कि जो कुमार वरदत्त हैं, उन्होंने अपनी आयु बढ़ाने के लिए जो 1000 गाय ब्राह्मणों को दान दिया, उसका उल्लेख गुंजी से प्राप्त शिलालेख में होता है। समझ में आ गया? लेकिन पहले के बुकों में क्या उल्लेखित मिल रहा था हमको? तो किरारी से जो काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ है उसमें उल्लेखित मिल रहा था। तो जितने लोग ये ऐड कर रखे होंगे किरारी के काष्ठ स्तंभ में 1000 गाय ब्राह्मणों को दान देने का उल्लेख है, वो इसको क्या कर लें, अभी के हिसाब से सुधार लें और उसको कहां पर लिखें, आप गुंजी के शिलालेख में लिखें। ठीक है, तो अब किरारी का काष्ठ स्तंभ में क्या वर्णन मिलते हैं? तो सातवाहन वंश के अधिकारियों, सातवाहन अधिकारी कर्मचारी, जैसे सेनापति, गौमंडलिक, प्रतिहारी का क्या है इसमें उल्लेख है। साथ ही वर्तमान के अंतर्गत ये जो काष्ठ स्तंभ है इसको महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में रखा गया है। महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में क्या किया गया है, इस काष्ठ स्तंभ को रखा गया है। समझ में आ गया? तो इसका आंसर आपने लगा लिया है कि जो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत प्राचीन ऋषभ तीर्थ, मतलब प्राचीन ऋषभ तीर्थ कहां पर हमने पढ़ा है अभी, जैन धर्म के अंतर्गत, तो गुंजी में है। तो गुंजी से प्राप्त शिलालेख किस शासक के हैं? तो किसके हैं? तो वो हैं कुमारवर दत्त के। और कुमारवर दत्त जो है वो किस वंश के शासक हैं? तो वो सातवाहन वंश के शासक हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन गुप्त वंश से संबंधित है। गुप्त वंश के अंतर्गत कुमार गुप्त के सिक्कों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? पहला बोल रहा है आरंग से 215 उत्पीड़ितांक सिक्के प्राप्त हुए हैं। दूसरा बोल रहा है रत्न जड़ित मयूर सिक्का कुमार गुप्त का है। पिटाई वल्द से 40 सिक्के प्राप्त हुए हैं। उत्पीड़ितांक सिक्कों में महेंद्रादित्य उत्कीर्ण है। और कौन सा कथन असत्य है ये आपको जानना है। जल्दी से आंसर लगाइए। लगा लिए आंसर? ठीक, देखते हैं कुमार गुप्त के सिक्कों के विषय में। तो जो कुमार गुप्त हैं इनके सिक्कों के संबंध में आप कुछ चीजें ध्यान रखिए कि जो रायपुर है, रायपुर के अंतर्गत आरंग है ना, रायपुर से ही तीनों स्थल आप देखेंगे। आरंग, आरंग से जो कुमार गुप्त हैं इनका रत्न जड़ित मयूर सिक्का प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? रत्न जड़ित मयूर सिक्का प्राप्त हुआ है। रत्न जड़ित मयूर सिक्का प्राप्त हुआ है कहां से? तो आरंग से। दूसरा खैरताल, रायपुर के अंतर्गत ही एक जगह है खैरताल। खैरताल से 215 उत्पीड़ितांक, मतलब उभार वाले बल्ज सिक्के प्राप्त हुए हैं। उत्पीड़ितांक सिक्के प्राप्त हुए हैं। और पिटाई वल्द, रायपुर के अंतर्गत एक जगह पिटाई वल्द। इस पिटाई वल्द से कुमार गुप्त के 40 सिक्के प्राप्त हुए हैं। कितने सिक्के प्राप्त हुए हैं? 40 सिक्के प्राप्त हुए हैं, है ना। कितने सिक्के? 40 सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं कुमार गुप्त का रत्न जड़ित मयूर सिक्का, इसके अंतर्गत परम भागवत लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है? इसके अंतर्गत परम भागवत लिखा है। इसके अलावा जो आपके खैरताल में उत्पीड़ितांक सिक्के मिले हैं, इसमें इन उत्पीड़ितांक सिक्कों में महेंद्रादित्य लिखा हुआ है। और पिटाई वल्द से जो सिक्के प्राप्त हुए हैं इसमें भी महेंद्रादित्य और विक्रमादित्य लिखा हुआ है। क्लियर? अब आप आंसर बनाइए। पहला क्या बोल रहा है? आरंग से 215 उत्पीड़ितांक सिक्के प्राप्त हुए हैं। गलत। आरंग से हमको क्या मिले हैं? रत्न जड़ित मयूर सिक्का मिला है। बी क्या बोल रहा है? रत्न जड़ित मयूर सिक्का कुमार गुप्त का है। ये बिल्कुल सही है। रत्न जड़ित जो मयूर सिक्का है वो किसका है? कुमार गुप्त का है।
सी क्या बोल रहा है, पिटाई वल्द से 40 सिक्के प्राप्त हुए हैं, यह भी बिल्कुल सही है, पिटाई वल्द से क्या है 40 सिक्के प्राप्त हुए हैं। और डी क्या बोल रहा है, उत्पीड़ितांक सिक्कों में महेंद्रादित्य उत्कीर्ण है, उत्पीड़ितांक सिक्कों में क्या है महेंद्रादित्य उत्कीर्ण है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। तो आपका असत्य कथन क्या हो जा रहा है, ए, ए क्या हो जा रहा है आपका असत्य कथन हो जा रहा है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ में गुप्त वंश के संबंध में कथनों पर विचार करना है। आपको क्या करना है, गुप्त वंश के संबंध में कथनों पर विचार करना है। पहला बोल रहा है राम गुप्त का सिक्का दुर्ग के बाण बरद से प्राप्त हुआ है। दूसरा बोल रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय का गरुड़ सिक्का खरसिया से प्राप्त हुआ है। तीसरा बोल रहा है बरम केला का क्योंकिन मंदिर गुप्त काल में निर्मित प्रमुख मंदिर है। और चौथा बोल रहा है गुप्त काल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। छांटना क्या है हमको, तो असत्य कथन छांटना है, कौन सा कथन असत्य है, जल्दी से छाटिए आप कौन सा कथन असत्य है, फिर मैं आंसर बताता हूं। चलिए चर्चा करते हैं। पहला क्या बोल रहा है, राम गुप्त का जो सिक्का है वो दुर्ग के बाण बरद से प्राप्त हुआ है, यह बिल्कुल सही है, राम गुप्त का जो सिक्का है वो दुर्ग के बाण बरद से प्राप्त हुआ है। जैसे आप गुप्त वंश को देखेंगे, गुप्त वंश की वंशावली को देखेंगे, तो सबसे पहले आपको श्री गुप्त का नाम मिलेगा, ठीक है, गुप्त वंश के संस्थापक के रूप में किसका नाम मिलेगा, श्री गुप्त का नाम मिलेगा। श्री गुप्त के पुत्र रहते हैं घटोत्कच, और घटोत्कच के उपरांत उनके पुत्र आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। क्या नाते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम प्रथम स्वतंत्र शासक रहते हैं, ठीक है, क्या रहते हैं, प्रथम स्वतंत्र शासक या गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक भी इनको कहा जाता है, जिनके द्वारा 319 एडी में क्या किया गया था, गुप्त संवत चलाया गया था अपने राज्याभिषेक के अवसर पर। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त आते हैं, और समुद्रगुप्त जो रहते हैं वो क्या करते हैं, संपूर्ण भारत और भारत के बाहर के भी क्षेत्रों को विजय करने का एक लक्ष्य बनाते हैं, जिसके तहत वो आर्यवर्त के 9 राजा और दक्षिणापथ के 12 राजाओं को क्या करते हैं, पराजित करते हैं। तो जब ये दक्षिणापथ के 12 राजाओं को क्या करते हैं, पराजित करते हैं समुद्रगुप्त, तो दक्षिणापथ अभियान के अंतर्गत समुद्रगुप्त के 12 राज्यों में से 2 राज्य जो थे वो छत्तीसगढ़ से थे। पहला दक्षिण कोसल के अंतर्गत वाकाटक वंश के शासक महेंद्र सेन को पराजित करते हैं, और महाकांतर मतलब बस्तर वाले क्षेत्र के अंतर्गत नललाग वंश के शासक व्याघ्रराज को क्या करते हैं, पराजित करते हैं। और इसी के बाद से ही जो छत्तीसगढ़ था उसमें किस वंश का प्रभाव शुरू हो जाता है, तो गुप्त वंश का प्रभाव शुरू हो जाता है। फिर इसके उपरांत समुद्रगुप्त के उपरांत जो अगले शासक बनते हैं वो उनके ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त बनते हैं, लेकिन रामगुप्त क्या रहते हैं, एक अयोग्य शासक रहते हैं, बाकी डिटेलिंग हिस्ट्री आगे अपन और देखेंगे। तो रामगुप्त क्या रहते हैं, एक अयोग्य शासक रहते हैं। तो रामगुप्त को फिर सत्ता से हटाकर या पद से हटाकर अगले शासक कौन बनते हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अगले शासक बन जाते हैं। जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शासक बनते हैं तो उस समय ही क्या हुआ रहता है, शकों का आक्रमण हुआ रहता है, और शकों से जब वो युद्ध करने जाते रहते हैं तो इस अभियान के अंतर्गत उनका सहयोग कौन करते हैं, तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो वाकाटक वंश के शासक रहते हैं रुद्रसेन द्वितीय, वो क्या करते हैं, इस अभियान में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सहायता करते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सहायता जब करते हैं और युद्ध में भाग लेने जाते हैं रुद्रसेन द्वितीय, तो रुद्रसेन द्वितीय की वीरता से क्या होते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अत्यधिक प्रभावित होते हैं। और उनकी वीरता से प्रभावित होने के उपरांत जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य रहते हैं वो अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह क्या कराते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह रुद्रसेन द्वितीय से कराते हैं। ठीक, अब जब रुद्रसेन द्वितीय से क्या हो गया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री का विवाह हो गया, तो जिस समय से समुद्रगुप्त ने क्या किया था, वाकाटक वंश पर आक्रमण कर उसको अपने अधीन कर लिया था, तो अब रुद्रसेन द्वितीय जब क्या कर लेते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री से क्या कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं, तब वाकाटक वंश क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। अब अपने दामाद को गुलाम बनाकर थोड़ी ना रखेगा, नहीं रखेगा ना, एक स्वतंत्र राजा बनाएगा उसको, तो स्वतंत्र राजा क्या कर दिया गया, रुद्रसेन द्वितीय को बना दिया गया। दामाद कुछ भी हो, है ना, ससुराल में क्या होता है, बहुत इज्जत रहता है, भले घर में एक रुपए की इज्जत ना हो, लेकिन ससुराल में दामाद क्या होता है, राजा रहता है। वही हाल किसका हो गया, रुद्रसेन द्वितीय का भी हो गया। हालांकि रुद्रसेन द्वितीय क्या थे, एक योग्य और एक प्रतापी शासक थे, उनमें वो सारी क्षमता थी, आज के दामाद जैसे नहीं थे, है ना, आज के दामाद जैसे नहीं थे, जो बाद बाद में क्या कर लेते हैं, मुंह फुला लेते हैं, बाद बाद में क्या रिसा जाते हैं, ऐसे दामाद नहीं थे वो, है ना, वो एक अच्छे दामाद थे, इसलिए उनको क्या कर दिया गया, एक स्वतंत्र राज्य दे दिया गया कि ठीक है भाई जाओ आप क्या करो दामाद बाबू, शासन करो अपना आराम से अपने क्षेत्र के अंतर्गत। लेकिन विवाह के कुछ समय उपरांत क्या होता है, रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है,
रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के उपरांत फिर क्या होता है, जब रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है तो जो प्रभावती गुप्त रहती है वो अपने पुत्र प्रवरसेन द्वितीय के परिप्रेक्ष्य में रहकर क्या करने लगती है, शासन करने लगती है। और शासन का जो वास्तविक कंट्रोल है वो किसके कंट्रोल में रहता है, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कंट्रोल में चला जाता है। कब तक? जब तक प्रवरसेन द्वितीय वयस्क नहीं हो जाते तब तक। इसी बीच जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो दरबारी कवि रहते हैं, दरबारी कवि कौन है, कालिदास जी। तो कालिदास को क्या करते हैं, ये प्रवरसेन की शिक्षा दीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ भेजते हैं। इसी समय छत्तीसगढ़ आते हैं कौन, कालिदास जी। कालिदास जी आते हैं तो कहां पर, सरगुजा। सरगुजा के अंतर्गत फिर वही रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी पर बैठकर वो क्या करते हैं, मेघदूतम की रचना करते हैं। और सरगुजा को क्या कहते हैं, तो स्वर्ग का द्वार कहते हैं। मेघदूतम की रचना किस में की गई थी, तो संस्कृत भाषा में की गई थी। इसका छत्तीसगढ़ी अनुवाद मुकुटधर पांडे ने, मुकुटधर पांडे को इस कृति के लिए क्या दिया गया, तो पद्मश्री सम्मान दिया गया 1976 में, प्रथम है ना, प्रथम व्यक्ति थे छत्तीसगढ़ के जिनको क्या दिया गया 1976 में पद्मश्री सम्मान दिया गया। ठीक, अब प्रवरसेन द्वितीय आ गया यहाँ पे, प्रवरसेन द्वितीय का शासन चल रहा है वाकाटक वंश, अभी आगे हम पढ़ेंगे। और ठीक है, अब इस समय कौन आ गए, कालिदास जी आ गए, कालिदास जी तक का समझ में आ गया। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के उपरांत फिर अगले शासक कौन बन जाते हैं, कुमारगुप्त बन जाते हैं, जिनके बारे में अभी जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया है, चर्चा किया है। और कुमारगुप्त के उपरांत स्कंदगुप्त आएंगे, स्कंदगुप्त के बाद फिर एक भानुगुप्त को आप देखेंगे, और भानुगुप्त के बाद फिर बहुत सारे और शासक आते हैं। फिर अंतिम शासक के रूप में गुप्त वंश के कौन, किसको देखते हैं आप, तो विष्णुगुप्त जी को देखते हैं। क्लियर है यहां तक, है ना। जो भानुगुप्त शासक है उन्हीं का क्या है, एक एरण अभिलेख है जो मध्य प्रदेश के सागर जिले के अंतर्गत एरण से प्राप्त हुए है, जिसमें क्या है, सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, चंद्रगुप्त द्वितीय का गरुड़ सिक्का खरसिया से प्राप्त हुआ है। तो आप सबसे पहले जानिएगा कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं इनके द्वारा गरुड़ सिक्का नहीं चलाया गया था, गरुड़ जो सिक्का है वो समुद्रगुप्त के द्वारा चलाया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो सिक्का है वो गरुड़ सिक्का नहीं, उनका एक धनुर्धारी सिक्का प्राप्त हुआ है। धनुर्धारी सिक्का खरसिया रायगढ़ से प्राप्त हुआ है। तीसरा बोल रहा है, बरम केला का क्योटिन मंदिर गुप्त काल में निर्मित प्रमुख मंदिर है। यह कथन भी क्या है, बिल्कुल सही है कि बरम केला का जो क्योटिन मंदिर है वो गुप्त काल में निर्मित क्या है, प्रमुख मंदिर है। अब बरम केला कहां है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए आप। चौथा बोल रहा है, गुप्त काल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या बोल रहा है, गुप्त काल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो क्या गुप्त काल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग कहते हैं, नहीं, पांडु वंश के काल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है, तो संपूर्ण भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो चौथा कथन क्या हो जा रहा है, आपका गलत हो जा रहा है। अब पूछ क्या रहा है आपको कि जो कौन सा जो कथन है वह असत्य है। तो दिख रहा है आपको दूसरा और चौथा कथन क्या है, असत्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। बिलासपुर के बूढ़ी खार से प्राप्त विष्णु की लेख युक्त चतुर्भुज प्रतिमा किस वंश के समय की है, पूछा जा रहा है आपको। बिलासपुर के बूढ़ी खार से भगवान विष्णु की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है जो कि लेख युक्त है और चतुर्भुज प्रतिमा है, वो किस वंश के समय की है। तो ये जो प्रतिमा है ये छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जब सातवाहन वंश का शासन चलते रहता है उस समय की प्रतिमा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सातवाहन वंश। और जो सातवाहन वंश वाले रहते हैं इनका व्यापार जो है, ये छत्तीसगढ़ में जब शासन करते रहते हैं तो इनका व्यापार रोमन साम्राज्य से होता है, ऐसी हमको जानकारी मिलती है। और इस बात का प्रमाण क्या है, तो बिलासपुर के अंतर्गत चकरबेड़ा से क्या हुआ है, हमको रोमन कालीन स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुआ है। ये जितने भी चीजें मैं बोल रहा हूं इसको आप क्या करेंगे, अपने नोटबुक में नोट करके रखेंगे, है ना। लाइव सेशन में क्या नहीं करते रहेंगे, चैट नहीं करते रहेंगे, आपको जितने भी कमेंट करने वो क्या करेंगे, आप क्लास खत्म होने के बाद चैट या कमेंट सेक्शन जो है आपका उसमें आप कमेंट करेंगे। लाइव सेक्शन तक में आप क्या नहीं करेंगे, ज्यादा चैट नहीं करेंगे। जब तक मैं आपको क्या नहीं पूछूं, सवाल ना पूछूं, तब तक आप लाइव सेशन में क्या ना करें, ज्यादा चैट ना करें, पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सातवाहन वंश। ठीक, इस तरह क्या हो रहा है हमारा, महाजनपद से लेकर जो भारतीय राजवंश एवं छत्तीसगढ़ तक का जो टॉपिक है वो आपका समाप्त हो रहा है। आगे हम छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रीय राजवंश है, साथ में जो वाकाटक वंश अभी भारतीय राजवंश में बच रहा है, उसके बारे में क्या करेंगे, अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए क्या, आप वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और
फिर से वही बात, अगर हमारा मेहनत, हमारे द्वारा किया गया प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप क्या करते रहिए, लगातार हमारा उत्साह वर्धन करते रहिए। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।